रोने से कोई सत्ता नहीं देता। अगर मैं लड़ता नहीं तो अभी तक मैं भी किसी कोने में पड़ा रहता। मैं लड़ा, मैंने मेरा परिवार खो दिया, मेरी जिंदगी खो दी, मेरी नींदें खो गई। 5 बजे आके सोता हूँ, 9 बजे उठ के चलता हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पापा पापा करते हैं। हर आदमी अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है। हनुमान बेनीवाल जैसा नेता इस कौम को दोबारा मिलेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखना। मेरे विरोधी भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि एक बार आधा घंटे मन से ये सोच रहे कि हनुमान जो लड़ाई लड़ रहा है, ऐसी लड़ाई आज से पहले किसी ने लड़ी थी क्या, या आगे भी लड़ सकता है। पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और जिसके खिलाफ लड़ा चाहे वो कितना भी बड़ा था, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया। और कई लोग जो बदमाश थे उनको ऊपर का रास्ता भी दिखाया, राजस्थान के अंदर दिखाया कि नहीं दिखाया। इसलिए आप लोग हिम्मत रखें, प्रयास करें। इसी तरह जैसे छोटे भाई ने बताया कि आने वाले समय के अंदर हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो भी अध्यक्ष है, मैं भाई दोनों हमारे हरिंदर और बांता दोनों बैठे, बच्चे दोनों चुनाव लड़े मजबूती से, लेकिन जोधपुर की जो हार है इसकी थोड़ी सी पीड़ा हम सबको दिखाई दे रही है, और हम सब थोड़े व्यथित हुए थे। लेकिन हारना चलता रहता, हम तो उस समाज के अंदर पैदा हूं जो हमेशा लड़ता ही रहा है। हमारे को जीत कभी नसीब नहीं हुई, जीत हो भी जाती तो भी संघर्ष करना पड़ता। छोटे भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं, आगे तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम लोग मजबूती से जुटो। ये प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है। मैं तो चाहता हूं कैसे नौजवानों को आत्म राजस्थान की सत्ता हो। भाइयों आसाम का उदाहरण देना चाहता हूं, एक बार आसाम में छात्र आंदोलन हुआ था बड़ा, 25-30-40 साल पहले की बात है, और छात्र आंदोलन ऐसा हुआ, ऐसा बिगुल बजाया कि मुख्यमंत्री बना था 30 साल का, और सारे लड़के बन गए 25 साल के विधायक, मंत्री भी बने, सारी पार्टियों को घर बिठा दिया। नौजवान जब मचलता है तो सत्ता पे कब्जा कर लेता है। हर क्रांति का मुखिया नायक देश का नौजवान था, भगत सिंह 23 साल के थे, तांत्या टोपे मंगल पांडे ने जो लड़ाई लड़ी उनकी छोटी उम्र थी। हनुमान बेनीवाल नौजवानों को साथ लेके, मुझे खुद के लिए नहीं चाहिए, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मुझे ही पता है, और मंत्री पद मेरे लिए कल तैयार है। मैंने आगे लड़ाई छोड़ दी तो लोग ये कहेंगे लो आप पड़ा, वो भी गया जो चिल्लाता लास्ट, वो भी चला गया, क्योंकि मेरे नीचे तो बहुत ज्यादा जा चुके पहले भैया जयकारे करके। देखा मैंने लोगों की ताकत में, लोगों के अंदर एक पुलिस की गाड़ी घर पे आ जाती है और एक 17 सीसी का नोटिस दे दो तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, घर वालों को और ले जाते साथ में, इसकी तरफ ध्यान दो बच्चा छोटा है। ये लड़ाई हमने देखी, इसलिए डर नहीं लगता। और बड़े बड़ी लड़ाई इस कौम के लिए लड़ी, किसान के लिए लड़ी, पार्लियामेंट में लड़ रहे और विधानसभा की थी। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि हम सब मिलकर नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। और यहां से एक मैसेज करनाल से पूरे देश के अंदर जाना चाहिए, एक पर्यटन सर्किट बने, और दिल्ली के अंदर भी हम प्रयास करेंगे कि तेजाजी महाराज के इस हमारे खरनाल मंदिर सुरसुरा, इनको राष्ट्रीय महत्व और इनको पर्यटक स्थल दिल्ली की सरकार भी घोषित करे, प्रयास मेरी तरफ से पूरे रहेंगे। राजस्थान में भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है प्रयास करते करते आप खुद की सरकार बना लोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बना लोगे सरकार अपनी, ऐसा लग रहा है। तो जब सरकार खुद की बन जाए तो रात को बैठ के रातों रात कर लेना, जो भी काम करने को मना कर रहा है क्या, तो सरकार जो होती है सब कुछ। ये डिप्टी साहब अभी जो चल रहे हैं ये तो आपकी ताकत के साथ है, जब सरकार बन जाएगी खुद ही काम करते रहेंगे, आगे जैसे चाहे कर लेंगे, दौड़ रहे हैं सारे, देखा आपने। ये सब इसलिए है कि ये भी उत्साहित हो रहे हैं, ये भी जो अधिकारी राजस्थान के वो मुझे कहते हैं कि हनुमान जी क्या खाते हो आप, मैंने कहा मैं तो 4 रोटी खाता हूँ, 3 रोटी और दाल, बताओ क्या चलते कैसे हो। मैंने कहा तो भगवान की कृपा, मेरे आज तो मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, नहीं खाया खाना, सीकर से चला हूँ आते आते, अभी बेरासर जाऊंगा, 700-800 किलोमीटर 900-1000 किलोमीटर की फ्लाई हो जाएगी हवा के अंदर। और मुझे खुशी इस बात की कि रामदेव जयंती और तेजाजी की जयंती दोनों, आज तेजाजी महाराज का और रामदेव जी महाराज का जो बड़ा दिन त्योहार आज है, और रामदेव जी ने भी सामाजिक समरसता के लिए काम किया, उन्होंने शेड्यूल कास्ट के मेघवाल भाइयों को उनका अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी, और वीर तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले किसान कौम को जगाया और गोमाता का महत्व समझाया, गाय को अपने प्राण से ज्यादा माना। तो आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, मैं बधाई देता हूं आप सबको, पूरे राजस्थान वासियों को और देशवासियों को, और इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल हमेशा किसान के लिए लड़ा, जवान के लिए लड़ा, बदमाशों के खिलाफ लड़ा, भयमुक्त अपराध मुक्त भ्रष्टाचार के लिए लड़ा, और आगे भी आप सबके लिए मेरा संघर्ष
हमें चरा के मैं समिति को आश्वस्त करना चाहता हूं कि समय मिला नहीं, कोरोना आ गया था, मैं भी पूरा टाइम नहीं दे पाया आपको, लेकिन मैं प्रयास करूंगा समय समय पर आपसे बात भी करता रहूंगा और आप तमाम अपने समाज के जितने भी नेतागण हैं उन सबको भी समय समय पर खरनाड़ बुलाएं। मैं तो यह भी कहता हूं रुको एक बार, हमारे एक दिक्कत क्या है कि झंडे की राजनीति है, ये कांग्रेस का झंडा है, ये भाजपा का, ये आरएलपी का। अगर झंडे की राजनीति हो और किसी को लगे कि भाई मंच पर साथ नहीं, वैसे विधानसभा और लोकसभा में हम सब साथ ही बैठते हैं, नेता हम सब साथ हैं, पब्लिक लड़ती रहती है, यही सही है ना, सारे चाय पानी डिनर लंच साथ करते हैं, आपको किसी के लड़ना नहीं। धीरे धीरे ये भी हो जाएगा, कई जगह मैं देखता हूँ अच्छी व्यवस्थाएं लोगों ने कर दी, लोग कहते हैं साहब आज आरएलपी वालों का है, कल बीजेपी वालों का, परसों कांग्रेस वालों का, सही है ना, कहीं झगड़ा नहीं। क्यों सरपंच साहब, मैं सरपंच साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि पूरी ताकत के साथ लगे हुए, एक ही मेरे एमएलए रहते हुए भी, एमपी रहते हुए भी, हमेशा खरनाड़ गांव वालों ने एक ही बात कही कि आपसे तो कभी भी ले लेंगे, मेरा सेवक तो हमेशा रहेगा ही। 20 लाख रुपए सामुदायिक भवन के लिए, जैसा ही एक बार बता दें, वो देने की मैं घोषणा करता हूँ। और एमएलए साहब आपके बैठे हैं, आजकल तो एमएलए का बजट एमपी से ज्यादा कर दिया अशोक गहलोत ने, इनके भी 5 करोड़ रुपए पर साल आता है, हमारा बजट मोदी ने छीन लिया 2 साल का, हमारा दिल बड़ा है, इसलिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, पूरी भी करते हैं उनको, तो हम दोनों मिलके आप बता दें, प्रधान भी आपके बन गए अब तो, सारा राज आपका है और तेजाजी महाराज अपना है और देश अपना है, आगे बढ़ो मजबूती के साथ और समझ के साथ, हम सबको आगे बढ़ना।